नमस्कार दोस्त। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमेशा हमेशा के लिए 2024 में इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें। मान लीजिए अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, और उनमें से आप किसी भी एक अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो कैसे आप डिलीट कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आप दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। अब जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो जाएगा, नीचे आपको सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने उस इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ से लॉग इन कर लेना है, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। अब लॉग इन करने के बाद यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ये लॉग इन हो चुका है। प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों कोने में आपको थ्री लाइन देखने को मिलेगा, तो आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका थ्री लाइन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड एक्टिविटी वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों पेज लोड हो रहा है, जब तक हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको अकाउंट सेंटर देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा अकाउंट सेंटर के नाम से। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमेशा हमेशा के लिए 2024 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मेटा फॉर इंस्टाग्राम। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा। देख सकते हैं कि दोस्तों हमारे मोबाइल का जो नेट है, इंटरनेट है, वो बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे पेज लोड हो रहा है, तो हम जब तक वेट कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और पेज ओपन होने देते हैं। यहाँ पे तो पेज ओपन हो जाने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, जो आपने अभी इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट किया है डिलीट करने के लिए, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट, दूसरा यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट। तो हम यहाँ पे डिलीट पे टिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक रीजन चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, इस पर टिक करके, और हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, जो हम यहाँ पे डिलीट करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और जैसे हम दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, और जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को हम डिलीट करने जा रहे हैं, उसका यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड फिल करना है, तभी आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट होगा, अन्यथा डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना पासवर्ड फिल कर दीजिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है डिलीट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप 30 दिन बाद यहाँ पे 30 दिन पहले ही 30 दिन के पहले ही अगर इसी आईडी और ईमेल को डालकर लॉगिन कर लेते हो, तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो 30 दिन बाद ही लॉगिन करना, तो आपका डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।